हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल निधि अभी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब कभी भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नेल पेंट को ड्राई करने की। तो आइए हम नेल पेंट लगाते हैं। मेरे हाथों में लगा है, मैं दोबारा से लगा रही हूँ नेल पेंट। नेल पेंट लगाने के बाद हमें क्या करना है, सुखाने के लिए, क्योंकि अगर नेल पेंट लगाने के बाद इसको ड्राई करने का वेट करते हैं तो उतना टाइम नहीं होता है। और अगर कभी हमें बाहर जाना है, उस दिन भी हम नेल पेंट लगाए हैं, तो फिर उसको ड्राई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें करना है, एक बोल लेना है, ठंडा पानी है, और इस ठंडे पानी में हम अपने हाथों को इस तरीके से डाल देंगे। ऐसा एक मिनट तक करेंगे और उसके बाद हमारा नेल पेंट ड्राई हो जाएगा, और हमें इस तरीके से भी वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो भी उसके लिए बेस्ट ट्रिक है गाइस, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और गाइस, अगर कभी आपका मेकअप प्राइमर ख़त्म हो गया है तो आप एलोवेरा जेल को एज अ मेकअप प्राइमर, मेकअप बेस के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेकअप प्राइमर का ही कवरेज देगा। तो कोई सा भी एलोवेरा जेल हो, जैसे मैंने यहाँ पे VLCC का लिया है, तो आप कोई सा भी अपना एलोवेरा जेल ले करके आप उसको एज अ मेकअप प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। यह आपको मेकअप प्राइमर का ही कवरेज देता है, लाइक दिस। ये मैंने जो VLCC का आयुर्वेदा एलोवेरा जेल है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, विटामिन ई के साथ है, इसलिए अगर आप चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और गाइस, अगर कभी आपका आई शेडो आउट ऑफ स्टॉक है, ख़त्म हो गया है, देन यू कैन यूज़ योर लिपस्टिक एज अ आई शेडो ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी। गाइस, अगर बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है तो ही लिपस्टिक को यूज़ करिए, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका आई शेडो ख़त्म है और आपको एमरजेंसी आपको यूज़ करना है, देन यू कैन यूज़ इट। अगर आपका मेकअप रिमूवर ख़त्म हो गया है, वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर आप गुलाब जल से अपने मेकअप को बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं। देखिए, गुलाब जल भी मेकअप रिमूवर के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो अगर आपका मेकअप रिमूवर आउट ऑफ स्टॉक है, देन यू कैन यूज़ इट। और गाइस, अगर आपको अपने हाथों पैरों के लिए स्क्रबर चाहिए है तो आप सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेमन स्लाइस में इसको डिप करके इस तरीके से, और आप अपने हाथों पैरों की बहुत ही अच्छी से स्क्रबिंग कर सकते हैं। यह हाथ और पैरों की टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। आपको इसे फेस पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके ये हाथ पैर के लिए ही है, हाथों पैरों की टैनिंग को रिमूव करने के लिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये एज अ हाथ पैर की स्क्रबर के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा।